हाइट्स की टीम की तरफ से इस समय न्यूयॉर्क में हूँ और आज 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी पधारे हैं। आइए जानते हैं जो लोग इसमें योगा डे में शिरकत किए हैं उनका क्या कहना है। जी मैम, आपका नाम? जी रजनी जी, आप हिंदुस्तानी हैं? जी रजनी जी, आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने योगा डे में शिरकत किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व हो रहा है। इनफैक्ट स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आए क्योंकि मैं और मेरे मम्मी बहुत बड़े फ़ैन हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी के, और हमें अमेरिका में रहते हुए हमें फर्क पता चलता है जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमें बहुत ज़्यादा इज्जत फील होती है, अमेरिकन का व्यवहार हमारी तरह बदल गया है, हमने इंडिया को एक बहुत सुपर पावर की तरह से, अपकमिंग सुपर पावर की तरह से देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी इंडिया का ऐसे ही नाम चलता रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको स्टेट डिनर पे बुलाया गया है यहाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इंडियन होने के नाते? ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं आगे सुनने कर रही थी कि तीसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा इज्जत यहाँ पे दी गई है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, और इससे हमारे देश का और ज़्यादा नाम यहाँ पे ऊंचा होगा और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन और आने वाले प्रेसिडेंट भी हमें बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे और इंडिया को और भी बेनिफिट होगा इससे, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल और मतलब हर तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बन रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते आपको क्या लगता है और हिंदुस्तानियों की यहाँ किस तरीके से कदर और बढ़ेगी, क्या कहना है इस बारे में आपका? इससे हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और क्योंकि हर कंट्री के प्रेमियर को ऐसा और इससे बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी पॉलिसी ऐसी है, वो स्ट्रॉन्ग विल हैं और सबको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, इसलिए उनको ऐसे ही इज्जत दी जाती है, इसी से हमारे देश की प्रगति भी होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। जी धन्यवाद आपका।